मेरे मूसा जी उनका श्राद्ध है, तो हम जा रहे हैं वहीं पे। गाइस ये सुखी है और ये ना मेरे ब्लॉग डेली देखता है। डॉक्टर के आए हैं, कॉलेज डॉक्टर के, शानू को लेके। गाइस हम अभी अभी डॉक्टर से आया है, कॉलेज डॉक्टर के वहां से, और इसको अभी फिलहाल थोड़ी सी दवाई दी है। बस टेंशन ये हो रही है कि शानू की जो है ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, अब सबको टेंशन हो रही है क्योंकि उसका पीलिया जो है ना ज्यादा ही निकला है। जितने भी डॉक्टर को दिखाया है वो सब ने बताया कि ज्यादा है उसके पीलिया, तो झाड़ा वाड़ा भी लगवा रहे हैं ऐसे। तो कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। और आज है 27 सितंबर, तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी चल रहे हैं श्राद्ध, तो हमारे जो व्रत थे लक्ष्मी माता के वो श्राद्धों में ही आते हैं, और हमारा उद्यापन तो आप सब ने देख ही लिया है, हो गया है। तो आज हमारे जो बड़े पापा थे यानी मेरे मूसा जी उनका श्राद्ध है, तो हम जा रहे हैं वहीं पे। और शाम के बज रहे हैं 4:30, मतलब 5 ही बजने वाले हैं, और सब रेडी हो रहे हैं। शावर तो सबने ले लिया, पर शावर लेके ना हम सीधा डायरेक्ट कपड़े नहीं पहनते हैं, सीधा ना पहले नेट सूट पहनते हैं, क्योंकि ना कपड़े इरिटेट करते हैं, चाहे वो कपड़े चुभने वाले ना हो, पर पता नहीं क्यों एक आदत सी बन चुकी है कि नहाते के साथ ही नाइट सूट पहनने का मन करता है। और मैंने भी फिर नहा के मैं सीधा ही आज तो उठते के साथ ही सीधा के नहाने चली गई, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आज जाना था। कल रात को ही फ़ोन आ गया था पवन भैया का कि मूसा का श्राद्ध है कल, तो वहीं जा रहे बस। और जो भी होगा आगे आपको दिखाएंगे कौन कौन आया है वहाँ पे, कौन कौन नहीं आया है, और देखते हैं किस किस से मिलते हैं आज। और अभी बस रेडी होने जा रहे हैं, मतलब कपड़े वपड़े चेंज करने जा रहे हैं, चोटी वोटी करने जा रहे हैं, तो अभी मिलते हैं वहीं पे, या फिर अभी देखते हैं थोड़ी देर में ही यहीं पे। गाइस शानू की तबीयत जो है ना अभी भी ठीक नहीं है, उसे अभी भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही है, डॉक्टर ने तो ज़्यादा ही बताया है पीलिया उसे। एक तो एक डॉक्टर से दवाई चल रही है, और जहाँ पे मतलब पीलिया झड़वाते हैं वो कौन सी जगह है पता नहीं, कौन सी जगह है, क्या नाम है, अभी मैं मम्मी से पूछ के बताती हूँ कि वो कौन सी जगह है। नारायणा, नारायणा वहाँ से हमने इसको जो है पापा सुबह लेके गए हैं। इसको पीलिया नहीं उतारा, इसके गले में एक धागा सा बांधा है, और हाँ उसे गीला गीला नहीं करना है। और ना शानू को मतलब टाइम टू टाइम खाना वाना, मतलब दलिया और खिचड़ी चल रहा है बेचारे का, और टिंडे विंडे की सब्जी वगैरह ये सब चल रहा है। और अभी भी उसको दवाई दी है, अभी भी वो लेटा हुआ है बाहर, और उसका भी पीलिया जो है ठीक नहीं है। तो गाइस हम निकल रहे हैं, और पहली बार मैं जो है ना सूट पहन के नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इस बार मेरे पास एक भी सूट नहीं है, एक भी सूट जिसको कहते हैं, इस बार मैंने सूट दिलाए ही नहीं है, और ना हमने शायद खरीदे हैं सूट, नहीं खरीदे एक भी, तो ये मिड्डी पहन के जानी पड़ रही है। गाइस हम जा रहे हैं, और कार में जा रहे हैं भाई के साथ, तो शिनोय को देख लो सो रहा है फिलहाल, अभी इसके टोपी ओपी देख लो। बड़ी दादी के घर है ना, बड़ी दादी के घर जा रहा है, अब दूसरी दादी के घर जा रहा है, बड़ी दादी के घर जा रहा है ये। टोपी पहन के कैसा लग रहा है? रतन दे मौसी टोटी, मतलब गुड्डा, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा कल गुड्डा लग रहा था, गाइस ये सुखी है और ये ना मेरे ब्लॉग डेली देखता है, और अलीशा अपने भतीजे को फुल रुला रही है रुला रही है ना, अभी खेल रहा था, ये कैमरे में देखता है ना अलीशा, देख चुप हो गया। रिदान, रिदान इसको पता है कैमरा, हाँ, बहुत।
थुप भी हो गया। हाय 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 हाँ चुप है बिल्कुल। अभी मैं फ्लैश बंद करूं। फ्लैश ऑन करते इधर देख लिया, इसको पता है। गर्मी लग रही है इसको। तो अलीशा बोल रही है कि शराद में इस बार कोई भी नहीं आया, और ये बात सच है, वाकई में कोई नहीं आया, पूरा टेंट खाली है, बस हम घर घर के ही लोग हैं। और विधान हमारा जो है रो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, इसको पता है। विधान ओए रिदो बीमार होता है ऐसे, हाँ ये नज़र लगवाता होगा। रिद्धू क्या कह रहा है, लेने के लिए कह रहा है क्या? फ्लैश है, फ्लैश है। हाँ इसको फ्लैश पसंद है लग रहा है, कैमरा पसंद है। गाइस हम अभी शराब से वहाँ से तो हम घर आ गए, पर अभी हम जा रहे हैं शानू के लिए दवाई लेने डॉक्टर पे। डॉक्टर के आए हैं कॉलेज डॉक्टर के, शानू को लेके। गाइस हम अभी डॉक्टर से आए हैं कॉलेज डॉक्टर के वहाँ से, और इसको अभी फिलहाल थोड़ी सी दवाई दी है। सुबह इसके सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह होंगे, और हमारी बॉडी में होता है 1% पीलिया होता है, पर शानू के जो शरीर में ना ज़्यादा हो गया पीलिया, डॉक्टर ने बताया 7 हो गया, 7.7 हो गया। 1% होता है इंसान के शरीर में, पर इसके 7% हो गया। तो अभी तो फिलहाल ये हमें दवाई दी है, और रिपोर्ट वगैरह कल होगी इसकी, दोबारा टेस्ट होंगे। और शानू के हमने कहाँ से लगवाया मम्मी झाड़ा पीलिए का? नारायणा से इसके झाड़ा भी लगवाया है, जो कि इसके गले में ये जो है डोरा उन्होंने बांधा है। सो गाइस हम आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पता नहीं छोटा ही है, ज़्यादा बनाया नहीं कुछ, बस टेंशन ये हो रही है कि शानू की जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। हम अब सबको टेंशन हो रही है क्योंकि उसका पीलिया जो है ना ज़्यादा ही निकला है। जितने भी डॉक्टर को दिखाया है वो सब ने बताया कि ज़्यादा है उसके पीलिया। तो झाड़ा वाड़ा भी लगवा रहे हैं, ऐसे तो कोई बात नहीं है कि, पर उसके स्टार्टिंग में अगर उसको फीवर हुआ था जब गणपति के टाइम, अगर उसको जब भी वो, एक तो ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, सबसे छोटा है ना घर में और सबसे ज़्यादा लाडला है, तो इसलिए ना मानता नहीं है किसी की जल्दी से। एक तो मम्मी की मानता था, पर बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है तो नहीं मानता कभी कभी। तो अगर वो उसी टाइम पर ले लेता दवाई तो ठीक होता आज, पर अब उसको कम से कम गणपति से लेके अब काफ़ी टाइम हो गया, आधा डेढ़ महीना हो गया ना मम्मी? नहीं 5 तारीख से, 5 तारीख से आज 26 तारीख हो गई, 26 या 27 है, तो अभी तक भी बीमार है। बस यही दुआ कर रही हूँ कि मेरा भाई जल्दी से ठीक हो जाए, और कल भी अब इसको सुबह लेके जाएंगे पापा या फिर साहिल भाई लेके जाएगा झाड़ा लगवाने के लिए नारायणा, और फिर कल कोली डॉक्टर ने जो है इसके बोले हैं टेस्ट कुछ, तो वो उस टेस्ट से पता चलेगा कि पीलिया कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पे है, और लीवर पे भी जो है ना सूजन बताई है डॉक्टर ने, तो देखते हैं कल क्या होता है। और कल इसको लेके जाएंगे हम 2 बजे या फिर 3 बजे करीब डॉक्टर बैठता है, तो जब भी जाएंगे इसको लेके, बाकी देखते हैं अभी कल क्या होता है। तो इसी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना जो नए हो। बाय बाय गाइस।